नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से जो एमएससी करवाई जाती है, एमएससी जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जो एमएससी का जो है न्यू रूल्स क्या क्या आए हैं और उसमें क्या क्या सिस्टम रहने वाला है, अब आपको जो जुलाई 2020 से एडमिशन होंगे उसमें क्या क्या सिस्टम रहने वाला है उसके फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों मैं जो प्रोस्पेक्टस ओपन किया है वो मैंने जनवरी 2020 का प्रोस्पेक्टस है और इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली हो गई है कि क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं एमएससी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री और इसके बारे में जो प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स है वो देखते हैं। हम सीधा चलते हैं 86 नंबर पेज पे और वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं एमएससी के बारे में क्या क्या न्यू रूल्स चेंजिंग हुए हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ व्यूमी कोटा में आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, अभी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर सारे वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपको असाइनमेंट कैसे तैयार करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सब कुछ जितने भी कोटा रिलेटेड प्रॉब्लम के टिश्यू हैं मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्यूमी रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं सबका सोल्यूशन मैं पूरी अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मेरी तरफ से पूरी फुलीफाइड फैसिलिटी आपके लिए बिल्कुल, लेकिन दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके आपको मेरे साथ जुड़ जाना है ताकि मुझे भी आगे से आगे ग्रोथ मिलती रहे और आपकी भी हेल्प होती रहे। तो दोस्तों एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन आपके लिए यूं ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन हेल्प लाता रहेगा। दोस्तों एमएससी में जो है दोस्तों जो मैथमेटिक की जो है वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली हर साल एडमिशन हो जाते हैं, साल में दो बार एडमिशन होते हैं एमएससी मैथमेटिक में, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसमें कोई फिजिक मतलब प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट पोर्शन होता नहीं है तो इसलिए उसमें तो हर बार एडमिशन आराम से हो जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों प्रॉब्लम आती है जो है हमारे बॉटनी और जो जूलॉजी केमिस्ट्री और इसमें है तो वहाँ पे जो है हर साल एडमिशन नहीं होते, केवल मतलब हर साल नहीं मतलब 6 महीने में एडमिशन नहीं होते, आपको केवल जो एमएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और उसमें है उसमें केवल जुलाई सीजन में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखी हुई है, पढ़िए, एडमिशन इन एमएससी बॉटनी प्रोग्राम विल अलाउड ओनली इन वन ईयर जुलाई सीजन में। मतलब आपको जनवरी भले एडमिशन शुरू होते हैं लेकिन जो एमएससी में एडमिशन है वो दोस्तों केवल और केवल जुलाई में ही शुरू होंगे, तो जो जुलाई 2020 में एडमिशन होंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जुलाई 2020 में आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा। जो एमएससी के बारे में एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 2 ईयर, मैक्सिमम 6 ईयर में आपको एमएससी कंप्लीट करनी है अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो भी। आपको जो मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगी आपको बुकें एमएससी में, ये जो चारों सब्जेक्ट की बुकें बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी बुकें आपको वही कम्प्लीटली मिलेगी। आपको 12,000 प्रीवियस की फीस, 12,000 फाइनल की फीस लगेगी। प्रीवियस में आपको ये टोटली 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें 5वां सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल बॉटनी का रहने वाला है और नीचे फाइनल में भी आपको टोटली 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जो पहले का था वही था। लेकिन दोस्तों पहले क्या थी जो एमएससी थी वीओमी में उसमें से केवल 20 दिन का कैंप होता था, कितने दिन का दोस्तों 20 दिन का, जो हम इजीली कर लेते थे अपने नज़दीक से जहाँ भी हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब जो सबसे बड़ी बैड खबर ये है कि प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट कैंप है वो दोस्तों 80 दिन का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एज ए रेगुलर 80 दिन मतलब आपको जाना ही है, ये पूरी बात अब देखिएगा। 18 काउंसलिंग डेज एंड 3 आवर पर डे, मतलब आपको 80 दिन में तो 3 घंटे पर डे की आपकी क्लास लगेगी। ऑर्गेनाइज MBO 05 मतलब जो 05 प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसके लिए, और जो प्रैक्टिकल वर्क है टोटल जो 240 घंटे का हो गया, मतलब आपके 80 घंटे और 80 × 3 करते हैं आप तो वो नॉर्मली 240 बन जाता है, तो 240 घंटे की रहेगी, उसमें 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है, आपको प्रैक्टिकल कैंप में देनी है। मतलब आपके 80 डेज की जो काउंसलिंग है जो पूरा प्रैक्टिकल कैंप होगा उसमें से आपको ओनली 60 दिन तो किसी भी हालत में जाना है तभी आपकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट होगी, मतलब आपको 60 दिन उसको अटेंड करना है। अब दोस्तों अटेंड करने तक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रॉब्लम और निकल के सामने आएगी आपकी प्रॉब्लम का कि जैसे जो जुलाई 2019 में जो निकले थी फार्म निकले थे उसमें जो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज कोटा ही उसका सेंटर था, क्षेत्रीय केंद्र कोटा के तहत गवर्नमेंट कॉलेज कोटा ही उसके लिए एमएससी का सेंटर था। अब दोस्तों आप जरूर आप दुआ करें कि आपके जो रीजनल सेंटर है कम से कम वहां तक उसके सेंटर आ जाएं, एमएससी के तो कम से कम राजस्थान में 7 सेंटर हो जाएंगे तो आप अपने नजदीकी शहर में तो कम से कम 60 डे मैनेज कर पाओगे, लेकिन अगर फिर आपको कोटा जाके मैनेज करना हुआ तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गए बार तो अगर ये राजकीय महाविद्यालय कोटा केवल और राजस्थान में एक ही सेंटर था, लेकिन आने वाले जो सेशन है जुलाई 2020 वो जब फार्म निकलेंगे उसी टाइम पता पड़ेगा कि कितने सेंटर के साथ टाई अप हुआ या फिर रीजनल सेंटर हैं, उस पर लगभग आ ही जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कोटा का उस अकॉर्डिंग यही है कि हर जो 7 रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपको एमएससी के कैंप इजीली देखने को मिल जाएंगे, तो जो गए हुए हैं तो केवल एक ही था। तो दोस्तों ये फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी जूलॉजी बॉटनी ये जितने सब्जेक्ट थे तो उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये तो बात होगी। और इसमें ये जितने भी आपके टोटली जो जैसे आपके कम्प्लीटली बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें सब में यही सिस्टम रहने वाला है। अब मैं सोच रहा साथ में आपको थोड़े और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कम्प्लीटली। देखिए दोस्तों आपको जो प्रैक्टिकल कैम्प होगा वो 80 दिनों का लगेगा आपके, ये दोस्तों आपको वापस ऐसे नहीं है आपको एक बार करना है, आपको प्रीवियस में भी करना है और वापस आपको फाइनल में भी करना है दोस्तों, साल में मतलब 2 बार आपको ये करना पड़ेगा।
तो मतलब आप प्रीवियस में 80 दिन का, फाइनल में 80 दिन का था। अब आपको सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये अगर ऑल राजस्थान में सेंटर नहीं हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको विश्वास रखिए दोस्तों, जुलाई 2020 में लगभग मुझे यूनिवर्सिटी से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अब तक कि सातों रीजनल सेंटर जो भी हैं वहाँ पर इसके सेंटर आ जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना कोर्स है वो आप कर पाएंगे, अपनी क्लासें वगैरह वहीं पर लगेगी आपका, तो आप इजीली अपने जो नज़दीकी संभाग मुख्यालय कोटा का रीजनल सेंटर वहाँ से कर पाएंगे। अब अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं साथ में दे दूँ, आपके जो असाइनमेंट है वो 20 नंबर के रहेंगे उसमें, तो आपका जो MBO 05 जो प्रैक्टिकल वाले उनके नहीं रहेंगे, बाकी के जो चार सब्जेक्ट हैं उसमें आपको चार असाइनमेंट बनाने, तो वो आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको टोटली 3 घंटे का एग्ज़ाम लग जाएगी, वो 80 नंबर की। बाकी जो चार सब्जेक्ट हैं जैसे आपके ये हर में यही लागू होगा दोस्तों, मैं आप एक अवेल यह ना सोचा कि मैं बॉटनी का बता रहा हूँ तो बॉटनी में ये चीज़ है, ऐसा नहीं है। जो जितने में भी हैं प्रैक्टिकल का तो वो कैंप हो गया 80 दिन का। उसके बाद ये जो ऊपर के चार सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 20 नंबर के असाइनमेंट बनाने, 80 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, और रिटर्न एग्ज़ाम में 80 में से आपको 36% मार्क्स मिनिमम लाने, तब जाके ये 20 नंबर उसमें प्लस होंगे और आपकी परसेंटेज जुड़ेगी। बाकी अगर आपके रिटर्न में 36% नहीं आते तो आपके मार्क्स इसमें जोड़े नहीं जाएंगे। और बाकी का ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए 5 नंबर और ये 10 नंबर, तो ये इसमें प्रैक्टिकल है ये 80 दिन के आपके जो हैं वो पूरे प्रैक्टिकल कैंप लगेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रैक्टिकल कैंप है उसका जो थोड़ा जो मार्किंग मेथड बता दूं, तो आपको लैब वर्क 40 नंबर का हो जाएगा, रिकॉर्ड आपका 30 नंबर का हो जाएगा, और प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे और वाइवा आपका 30 नंबर का हो जाएगा, मतलब टोटल 100 नंबर का ये आपको 80 दिन के कैंप में, और फिर ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ये टोटली रिजल्ट निकल के सामने आएगा, तब आप MSc कर पाओगे। देखिए अब जूलॉजी में भी सेम वही सिस्टम है, आप जैसे मैंने बॉटनी का बताया आपको, तो जूलॉजी में भी ये ऊपर वाले चार और नीचे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाले 80 दिन की आपकी क्लासें लग जाएगी, और बाकी आपका वाइवा वगैरह सेम बिल्कुल पूरे रिजर्व जो रूल्स हैं वो सेम ही हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की MSc देख लीजिए, ये टोटली 10 सब्जेक्ट हैं, ऊपर वाले चार सब्जेक्ट थ्योरिकल हैं और नीचे वाले आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल वालों में आपको 80 दिन की क्लासें लगी रही है, जो केमिस्ट्री का भी सेम रूल्स हैं, ये जिसमें आप फिजिक्स का अगर MSc देख रहे हो उसमें भी सेम रूल्स हैं। तो दोस्तों ये जो MSc है अब थोड़ी आपको हार्ड लगेगी कोटा से अगर MSc करनी है, क्योंकि 80 दिन के कैंप आने वाले जो सेशन है जुलाई 2020 में एडमिशन शुरू होंगे, MSc के अभी तो एडमिशन चल नहीं रहे। मैं आपको लगातार कमेंट करके भी आप मुझे पूछते हो तो मैं यही जवाब देता हूं। तो ये जो मैंने दोस्तों MSc रिलेटेड नई खबर थी वो आप तक पहुंचाने का कोशिश की है। दोस्तों आपको खबर कैसी लगी, और अच्छी लगी तो मुझे लगता है आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन दोस्तों जो यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मुझे देना मेरा काम है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप कहीं और से भी कुछ ऑप्शन सोचते हैं तो वो आप कर सकें। आपको टाइम पर पता होगा तो आप कहीं दूसरी जगह भी जाके जरूर उसमें कर पाओगे, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कोटा के भरोसे रहोगे, और कोटा में फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि यहाँ पे तो ऐसा सीन है, तो आपके साथ एक तरह से धोखा सा महसूस होगा। तो मैंने आपको टाइम से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, यही मेरी कमाई है और यही मुझे खुशी होती है आपकी लाइक और कमेंट देख के मैं और अच्छी खबर कर सकूं, और यूनिवर्सिटी से थोड़ा अटैचमेंट रख के मैं और ज़्यादा से ज़्यादा खबर ला सकूं आपके लिए। और मैं सबसे पहले दोस्तों कोटा रिलेटेड सारी खबर और जितने भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लगभग करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोटा वाले जितने स्टूडेंट हैं आपके जानकारी में उनको सबको मेरे चैनल से जोड़िए, ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, आपके अच्छे परसेंटेज बन सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।